तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट करा कि भाई डी फोकस रोटो के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो गाइस, आज ये वीडियो आ चुकी है जिसमें आप देख सकते हैं डी फोकस रोटो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जो भी कमेंट करते हैं मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, ताकि आप लोग सीख पाएँ और आपके साथ साथ और लोग भी सीख पाएँ। तो गाइस, इसलिए ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हर एक ट्यूटोरियल का नया अपडेट मिलता रहे। तो गाइस, यहाँ पर आपने स्कैन देख लिया होगा, शुरू में करेक्टर डी फोकस में है। इसमें एजी मालूम नहीं पड़ रही हम मेंटेन कहाँ पर करें, ठीक है, अपना कोई भी पॉली बनाते हैं रोटो का, तो गाइस मेंटेन कहाँ पर करें। लेकिन यहाँ हम लास्ट की तरफ आएंगे तो कुछ हमें एज मालूम पड़ रही है, यहाँ पर हम अच्छे से पॉली बना सकते हैं। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं इसमें कि आप कैसे पॉली बनाएंगे उस एरिया में और कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एक फ्रेम चुनता हूँ जहाँ मुझे सबसे अच्छा एज दिख रहा हो। तो गाइस, आपके पास भी कोई ऐसा शॉट है तो आप पूरे शॉट में कहीं एक फ्रेम ऐसा देखिए जहाँ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा एज दिख रहा हो। हो सकता है आपके में इतना एज भी नहीं दिख रहा हो जितना मेरे में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपके में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही डी फोकस में हो। तो गाइस, आपको उन सब फ्रेम में से भी ऐसा फ्रेम चुनना होगा जहाँ थोड़ा सा मतलब और फ्रेम के मुकाबले थोड़ा अच्छा दिख रहा हो, ठीक है। अब उस फ्रेम को चुन के आपको वहाँ पे एक पॉली बना लेनी, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी हेड की बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं हेड पे बना रहा हूँ, अभी मैं देखो गाइस पॉली कहाँ बना रहा हूँ, तो मैं हार्ड एज पे पॉली बना रहा हूँ जो इसकी अंदर वाली एज रहती है। अब बहुत लोग इसमें ही कन्फ्यूज रहता है कि हार्ड एज और ब्लर एज क्या रहती है, ठीक है। ब्लर एज क्या रहता है, जो बाहर की तरफ लास्ट पिक्सल जो रहता है ना जीरो ओपेसिटी पे, जो अपने करेक्टर का बाहर की तरफ एक पिक्सल रहेगा उसे बोलते हैं अपना ब्लर एज, ठीक है। और जो अंदर की तरफ रहता है ना सबसे हार्ड पेज, मतलब जो हाँ 100% ओपेसिटी दिख रही होती है पिक्सल की, ठीक है, उसे बोलते हैं अपना हार्ड एज, ठीक है। तो गाइस, इसके बीच में भी एक एज होती है मीडियम एज, जिसे बोलते हैं जो ब्लर और हार्ड एज के बीच में होती है उसे बोलते हैं मीडियम एज, वो अपने मौसम ब्लर में ज़्यादा यूज़ होती है। फिलहाल हम डीफोकस वाला जान लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने पॉली बना लिए, अब इसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रैक निकाल लेते हैं ताकि हम मेंटेन से बच जाएं, बाकी थोड़ा बहुत अपना मेंटेन करते रहें। अगर इस ट्रैक जो होता है ना, ट्रैक आपको मालूम ही होगा कम से कम हमारा वो 90% या 80% कभी कभार बहुत बेकार भी आउटपुट देता है, लेकिन वो अधिकतम आउटपुट दे देता है। तो गाइस, इसलिए आप ट्रैक ज़रूर निकाल लीजिए ताकि आपको 100% काम करने से अच्छा आप 20% या 10% ही काम करें। तो गाइस, यहाँ पर भी मैं शिफ्ट ही दबा दिया हूँ और यहाँ पर मैंने ट्रैक ले लिया मोकर ट्रैक, ठीक है। अब यहाँ से इसकी मैं चारों चीज़ें चालू कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मैंने पॉली लेयर सेलेक्ट कर ली अपनी, और यहाँ पे इसके ऊपर ट्रैक निकाल देंगे, ठीक है। तो ये ट्रैक हमारा निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब गाइस, मैं इसको आगे की तरफ मेंटेन नहीं करूँगा, क्योंकि आगे की तरफ आपको पता ही होगा कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। हम इसको डी फोकस की तरफ मेंटेन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पॉली उधर उधर हुआ। तो गाइस, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं एक बार जल्दी से और फिर से इसको हार्ड एज पे ले आते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको हार्ड एज पे लेकर आ रहा हूँ। तो पहले आपको भी ऐसे करना है, आपके पास शॉर्ट हो तो आपके पास जहाँ एज दिख रही हो वहाँ पे आप हार्ड एज पे रखिए, ठीक है। बाद में आप भले ही उसको डी फोकस में, अभी मैं बताऊँगा कैसे करना है डी फोकस में, वो भी आप देख लेना। और गाइस, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मूवी लाइन में हैं, मतलब जहाँ आप किसी मूवी स्टूडियो में हैं, तो गाइस आपको हार्ड एज पे रखना होगा रोटो। अगर आप सीरियल में हैं तो ब्लर एज पे भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे मेंटेन हो जाता है, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं होता। मूवी में आपको हार्ड एज पे रखना होता है, और जो ब्लर एज रहती है वो फेदर या फिर मोशन ब्लर में कन्वर्ट होती है, फिर उसके ऊपर काम होता है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे हम हार्ड एज पे रख रहे हैं, और इसको अगर आप सोच रहे हैं फेदर कहाँ से दें, तो गाइस मैंने अपने चैनल पर कई सारी वीडियो बना रखी हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने फेदर कैसे दिया है। न्यूक सॉफ्टवेयर रहता है, न्यूक सॉफ्टवेयर में दे सकते हैं, नहीं तो आप एज ब्लर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्लॉट में भी दे सकते हैं ब्लर, ठीक है। इसको पर सब ट्यूटोरियल मैंने बना रखे हैं, आप एक बार चाहिए चैनल पर चेक करिए, आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे मैंने स्लॉट पे ही ब्लर देना बताया है, स्लॉट पे ही फेदर देना बताया है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये मैं ट्रैक निकाल रहा हूँ, और हाँ गाइस, यहाँ पर आप नोटिस करिए थोड़ा सा ट्रैक गलत निकल रहा है नीचे की तरफ से। अगर आप नीचे वाले पॉइंट के ऊपर नोटिस करेंगे, देखो जहाँ मेरा सेलेक्ट है पॉइंट, वो थोड़े ऊपर नीचे हिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले जहाँ ठीक है वहाँ तक एक की दे देते हैं, जानबूझ के ऊपर नीचे हिला देते हैं ताकि एक की लग जाए कि हाँ भाई यहाँ तक मेरा ठीक है, ठीक है। तो मेरे लिए ये फ्रेम ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हिला देता हूँ, और मैंने एक की दे दी है, ठीक है। अब यहाँ तक मेरा काम ठीक है, लेकिन इसके आगे प्रॉब्लम हो रही थी। तो गाइस देखो, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक चीज़ सेलेक्ट करी और इससे मैंने ट्रैक निकाल दी। इससे क्या हुआ, मेरा रोटेशन और स्केलिंग से मैं बच चुका हूँ, अब मेरी पॉली हिलेगी नहीं, ठीक है। बस साइज़ थोड़ा वैसा का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन स्केल पकड़ा नहीं इसने। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट चालू करा अपना ट्रैक का, और मैंने ट्रैक निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
पहले तो इसी फ्रेम पर थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए डी फोकस में मैं कैसे एज मेंटेन कर रहा हूँ, किधर रख रहा हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ पर काफ़ी आसानी से। मैं फुल स्क्रीन मैंने इसलिए कर रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो गाइस यहाँ पे देखिए अब मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूँ डी फोकस में, ठीक है। आप एज को ध्यान दीजिए, ये कितना ज़्यादा बाहर अपना ब्लर निकल रहा है, लेकिन मेरा एज कहाँ मेंटेन हो रहा है, जहाँ हार्ड एज है, ठीक है, उससे 2-3 पिक्सल ऊपर की तरफ मेरा एज मेंटेन हो रहा है। नहीं तो आप हार्ड एज पे ही मेंटेन करेंगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा एज 2-3 पिक्सल ऊपर की तरफ मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और ये अपना डी फोकस के लिए मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब यही हमें लास्ट फ्रेम पर करना होगा, तो पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ इशू तो नहीं है। अगर इशू हो तो आप मेंटेन कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है, तो थोड़ा सा की यहाँ भी दे देते हैं, ठीक है, ताकि अपना रोटो प्रॉपर हो। तो ये भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा निकल रहा है। तो गाइस आपको भी इस तरीके से मेंटेन करना होगा। और ट्रैकर ने क्या करा, मैंने आपको पहले ही बोला था 80% अपना काम बचा दिया, नहीं तो हमें हर फ्रेम पे मेंटेन करना होता। लेकिन अपना अब देखो गाइस, पहले यहाँ का फ्रेम नोटिस कर लेते हैं एक बार कि ये देखिए इसमें अब एज बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ रही कि अपने को एज कहाँ रखें। तो पहले सबसे पहले मैं साइज़ छोटा कर लूँगा पॉली का, जो मेरी पॉली है इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं एक बार, और फिर जितना हो सके ऑल्ट प्रेस करके मैं इसके कोनों से मेंटेन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करके आप कोई भी काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है, इससे क्या होता है पॉली का डिज़ाइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब मैं इसको पॉइंट छेड़ूंगा, इसका रीशेप कर लिया है मैंने आर दबा के, अब मैं इसके सारे पॉइंट छेड़ रहा हूँ, ठीक है। और एज मेंटेन मैं कहाँ कर रहा हूँ, जहाँ मुझे पिक्सल दिख रहा है, जहाँ मुझे एक 100% वाला पिक्सल दिख रहा है उसके आस, मतलब उसके अंदर नहीं लेकिन उसके बाहर थोड़ा सा मैं एज रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी डी फोकस का काम करना है तो गाइस आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो गाइस आप एक बार अपने जो जिस स्टूडियो में आप हैं या फिर जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने एक जो अपने सीनियर हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए कि मुझे इसकी एज कहाँ मेंटेन करनी है। क्योंकि बहुत से लोग बिल्कुल एकदम हार्ड एज में मांग लेते हैं, और बहुत से लोग 2-3 पिक्सल ऊपर की तरफ मांगते हैं, ठीक है। तो आप उनसे एक बार पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको डी फोकस का रोटो ऐसे ही करना होता है जैसे मैंने करा है, आपको कोई ब्लर एज में या फिर मीडियम एज में नहीं रखना होगा आपको डी फोकस का रोटो, आपको हार्ड एज के पास में ही रखना होगा, ठीक है। अगर आप हार्ड एज के पास में रख लेंगे तो आपका रोटो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। अब गाइस मैंने यहाँ पे इसका सिर तो मैंने बना ही लिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाई देता हूँ थोड़ा सा हार्ड वाला, जैसे कि इसके हाथ में डंडा है, ठीक है। अगर इस फ्रेम पे मेरा डंडा दिख रहा है जो पूरी तरीके से इसके हाथ में है, यहाँ पे मेरे को एज प्रॉपर दिख रही है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा ऐसा रफली बना रहा हूँ अभी, लेकिन मिनट कर लेंगे एक बार, पहले एक बार ज़रा पॉली बना लेते हैं। अब गाइस आप सोच रहे होंगे ये मैंने पॉइंट कैसे दिया, तो गाइस आप ऑल्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो आप ऑल्ट से पॉइंट दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑल्ट दबा के बीच में मेरे को एक दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो मैंने ऑल्ट से दे दिए, ठीक है। तो आप भी दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप रोटो में बिल्कुल नए हैं तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है सेल आउट नाम की, आप उसमें जाएंगे तो उसमें पहला वीडियो देखे यार, पहले वीडियो से स्टार्ट करते हुए जाइए। अगर आपने वो पहला वीडियो देख लिया, दूसरा देख लिया, तो गाइस आप काफ़ी अच्छे से रोटो जान जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बताया, और उसमें ही फेदर ब्लर ये सब चीज़ें उसमें ही हैं, कैसे आप कॉम्ब बना सकते हैं, कैसे आप रेंडर कर सकते हैं, मल्टीपल कलर का भी रेंडर, वो सब चीज़ें मैंने उसमें बता रखी, तो आप जाके एक बार जरूर देखिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर नोटिस करिए, मेरे को राइट में तो अच्छा खासा दिख रहा है थोड़ा बहुत डंडा, लेकिन लेफ्ट में तो दिख ही नहीं रहा। यही होता है डी फोकस का कमाल, क्योंकि उसमें सब चीज़ें एकदम गायब कर लेता है, ब्लेंड कर लेता है अपने आप आसपास के बैकग्राउंड के कलर के साथ। तो यहाँ पे यही हुआ कि यहाँ पे ये सब चीज़ें इसने ब्लेंड कर ली हैं, अब मेरा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसका थोड़ा सा यहाँ, अब गाइस यहाँ पे देखो यही चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे हमें इसका नोटिस करना होगा कि डंडा किस वैल्यू पर था, और थोड़ा सा ना पतला करके पॉली जब नहीं दिख रही है चीज़ें तो आपको थोड़ा सा पतली करनी होगी पॉली को अपना, जैसे मैं यहाँ पे तो वो पतला कर लिया हूँ, और मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखा हूँ, ठीक है, कहाँ पे सेंटर में। अब सोच रहे होंगे अब एज दिख ही नहीं रहा, ब्लेंड हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो कैसे हम अंदाजा लगाएं। तो कैसे आपका जो राइट वाला डंडा है ना उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ मेरा लेफ्ट वाला भी किधर होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि डंडा तो भाई मुड़ नहीं सकता ना, वो तो एक तो मतलब थोड़ा ठोस है तो वो मुड़ नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है वो वहीं का वहीं होगा, बस थोड़ा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि उसने अगर डंडा उठाया हुआ एक राइट लेफ्ट से तो जाहिर सी बात है राइट से ऊपर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपको अंदाजा लगा लेना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगा लिया था और मैंने कर दिया था उस फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बार मेंटेन कर लेते हैं, और कोशिश यही करना डी फोकस का कोई शॉट आए तो सबसे पहले कोई एक अच्छा फ्रेम चुनिए, फिर उसके मुताबिक ही सारे रोटो कर दीजिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे इतना तो कर दिया है, ये देखिए, अब देखो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था, तो गाइस मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो गाइस आपको भी डी फोकस का रोटो ऐसे ही करना होगा। अगर ऐसे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो अगर ये डी फोकस का रोटो, तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार ये हो चुका है,
ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे भी चेंजेस कर देते हैं। वैसे आप समझ चुके होंगे आप डिफोसर ऑटो कैसा करना है, तो गाइस जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ हम लोग आराम से बातें कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को वहाँ पर आप मुझसे मिलकर सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हो ही चुका है अपना रोटो, आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं ये सब टास्क आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे मेरा आईडी भेज सकते हैं कि मैंने ऐसा रोटो करा है। तो गाइस मैं आपका चेक करके या फिर आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्या कमी है। तो गाइस आप मेरे को वहाँ पे मेल आईडी भेज सकते हैं, लिंक आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी और अपने मेल आईडी का भी, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक गाइस आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइस एक चीज़ और कि अगर आपको ये रोटो वाला वीडियो देखना है ना, प्लेलिस्ट में जाना है, तो गाइस आप ये मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट की, जो आपको लेफ्ट में मिलेगी। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर। ओ गाइस जय हिंद।